चीटर मैं हूँ चीटे तो चीटर ये क्या है प्यार संतोष जी के साथ और शादी किसी और के साथ मोबाइल दे मारा क्या करो बिल्लू अरे हमारा मोबाइल दो मोबाइल से मजाक रहे मोबाइल से अरे ये क्या लोचा क्या है अरे संतोष जी के साथ यार शादी किसी और के साथ तुम परेशान मत करो बिल्लू हम पहले ही से परेशान है यार अच्छा माँ ने कसम दे दी इसलिए लड़की देखने जाना पड़ेगा तुम होके हमारे जख्म पे मसाला मारे जा रहे हो यार ओ माँ की कसम है तो निभानी पड़ेगी मोबाइल दो उधर सुबह सुबह एकदम अबे चीते अच्छा ये लड़की कौन है अरे यार फिर से याद दिला दी तुमको लड़की देखने भी जाना है टाइम भी हो गया तो अच्छा बिल्लू 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 सुनो ना क्या है ना कि हम लोग के बीच जो बात हुआ है ना ये हम लोग के बीच ही रहने देना है ध्यान रखना कि ये बात ना संतू जी को और खास करके वो चड्डा के बच्चे को पता ना चल जाए है क्या हुआ बिल्कुल मत बताना क्या हुआ बिल्लू हमारा फायदा अरे इसमें भी तुम अच्छा चलो ठीक है अगले एक हफ्ते तक हमारी तरफ से चाय और समोसा मुफ्त है डन डन बताना मत प्लीज हां रिक्वेस्ट चलो हम निकलते हैं हां हां कहीं की निगाहें कहीं पे इशारा चाय अच्छी है हाँ तो फिर मैं ये रिश्ता पक्का समझू अरे मिश्रा जी पहले लड़के और लड़की को बात तो करने दो हाँ हाँ मिश्रा जी बात यह है कि लड़के की दूर की बुआ के साथ हमारे पुराने संबंध है हाँ हमारे की पहचान है तो उन्होंने कहा कि लड़के के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ के दो तो हमें फौरन अपनी लता की याद आई हाँ और सीधा यहाँ पे बुलवा लिया अपनी लता की जैसी अच्छी लड़की तो हो ही नहीं सकती ना तो ये लड़की की माँ नमस्ते ये है लड़की की चाची अरे घूंघट निकाला है तो क्या होगा मॉडर्न खानदान से है यो वो सब चलते रहता है यहाँ पर स्कूल कौन जाता है बहन आशा का है और ये सब जो ट्रॉफी है वो आशा इनकी छोटी बहन बड़ी होनहार है शुक्ला जी लड़का करता क्या है जी पुलिस में है हम चलने का भी क्रैश कोर्स करो अरे पुष्पा जी ये देखिए आपने हेडलाइन पढ़ी क्या SHO हसीना मलिक वर्दी में मसीहा हाँ हाँ उनकी फोटो भी छपी है हाँ अच्छी लग रही है इसको काट के ना यहाँ पे नोटिस बोर्ड पे लगा दे उनको अच्छा लगेगा है ना हाँ जल्दी जल्दी अरे मैडम सर भी आ गए जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो कुछ लोग हसीना मैडम के पेपर में छपी फोटो देख के मन में कूढ़ेंगे शायद जलेंगे भी अच्छा भी नहीं लगेगा क्या क्या पुष्पा जी क्या नहीं कुछ कहा अभी आपने क्या कह रही हैं आप हमने हाँ आप ही जय हिंद मैडम सर जय हिंद गुड मॉर्निंग मैडम सर ये मैंने आपके लिए लगाया नशा मुक्ति केंद्र शराब छुड़ाए शराबी को बिना बताए संतोष शर्मा हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है मैडम सर ये आपका बड़प्पन है सबसे ज्यादा जरूरत ही आपको है इसकी संतोष मैडम सर आप डिजर्व करती हैं ये आप ही के लिए है संतोष सॉरी 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 सॉरी
ये आपके लिए। कुछ चलने की बू नहीं आ रही है संतू? नहीं, हमको तो आ रही है बहुत। रिश्ते के लिए पुलिस वाले को ले आ, कहीं पुलिस को शक पड़ गया तो। मिश्रा जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, लड़की कहीं से भी नाबालिग नहीं लग रही है, और लड़का है ना वो दहेज नहीं लेने वाला है। लेकिन मेरा कमीशन पक्का। अरे वो तो हो जाएगा। चलो मुंह मीठा करवाओ आप। बोलो बेटा तुम्हारा क्या कहना है? है कि हम ही शादी नहीं कर सकते। गलत मत समझिएगा, देखिए लड़की में कोई दिक्कत नहीं है, हम तो ठीक से लड़की को देखे भी नहीं है। काहे की दिक्कत हमारी है, हम किसी और से प्यार करते हैं, और जब प्यार किसी और से करते हैं तो शादी किसी और से कैसे कर सकते हैं? तो हमारी बुआ और शुक्ला जी हमको जिद किए तो इसलिए हम लड़की देखने चले हैं, तो बाकी हमको माफ कर दीजिएगा। हम शुक्ला जी शुक्ला जी हमारे तो नसीब ही फूटे हैं, इतने साल हो गए इसकी पढ़ाई का खर्चा उठाते उठाते, अब तो हिम्मत नहीं है इन बूढ़े कंधों में इसका बोझ उठाने की। सोचा था कि बेटी की शादी कर देंगे तो बाप की कुछ जिम्मेदारी कम होगी, पर अब तो इसके कोई आसार नजर नहीं आते शुक्ला जी। अरे चिंता की कोई बात नहीं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अरे ये दुनिया का आखिरी लड़का थोड़ी ना था, हमारे पास बहुत सारे लड़के। आइए मैं दिखाता हूँ, आइए। ये देखिए कैसा है, ये देखिए। ये लड़का कुछ उम्र में ज्यादा बड़ा नहीं लगता? हाँ कुछ बड़ा तो लगता है। अरे क्या लग रहा है यार, लड़के की तस्वीर ठीक से नहीं खींची, बस 19-20 का फर्क है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लड़का इंजीनियर है, बहुत पैसे कमाता है, अपनी लता को खुश रखेगा। छोटी नहीं लग रही है शादी के हिसाब से? अरे अब कहाँ फर्क पड़ता है पुष्पा जी, हम तो ना करके चले आए बस। संतोष के लिए? अरे यार तो हमारे समोसों का क्या होगा? और किसके लिए है? अगर प्रेम संतोष जी से किए हैं तो शादी किसी और से कैसे कर सकते हैं हम? अरे वही तो, तुम संतोष जी को चाहते हो लेकिन संतोष जी तुम्हें चाहती है, ये तो पूछ लो। ये बात है, वरना क्या है न घर के रहोगे न घाट के, ऐसी उम्र निकल जाएगी हाथ कोई नहीं आएगी। देखो बिल्लू का है कि हम तुमसे वादा किए थे कि हम तुमको चाय पिलाएंगे और समोसा खिलाएंगे, इसीलिए तुमको बाहर जेल से लेकर आए हैं, अब तुम समोसा खा ली और चाय पी रहे हो, पियो और चुपचाप जेल में चले जाओ। लव गुरु बन करना ज्यादा ज्ञान मत दो यहां पर हमको। चीते जानते रहा, चीते यहां देख रही है ना, बैठ बैठ देख रही है ना आप, मतलब अरे सही तो कह रहा है बिल्लू, मजाक मजाक तक बात ठीक है, मगर अगर ये बात शादी तक पहुंचानी है ना तो संतू के मन में क्या चल रहा है ये तुम्हें जानना जरूरी है ना। हमारी बात सुनो, तुम ना एक गुलदस्ता लो और एक बहुत ही बढ़िया रोमांटिक सी कविता याद करो, उसको ना एक बगीचे में लेके जाओ, तालाब के किनारे दोनों बैठ जाओ। बिल्कुल ही नहीं, अब चुप करो यार, और फिर उसे वो कविता सुनाओ, उसे चांद दिखाओ, घटाएं दिखाओ। नहीं 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 नहीं, घटा क्या पुष्पा जी, आप भी कौन से ब्लैक एंड व्हाइट वाले जमाने की बात करती रहती हो अपनी। मेरे कहने का मतलब है कि बागीचे में ले जाओ, कविता सुनाओ, चांद दिखाओ, ये सब करते करते ये बेचारे खुद का चांद निकल आएगा। जेटीएस का जमाना है, सब कुछ फास्ट होना चाहिए। एक मिनट, सोशल डिस्टेंसिंग। हवलदार भैया हम बताते हैं आपको क्या करना है, चुपचाप बाजार जाइए, गए और एक हार्ड शेप का गिफ्ट लेकर आइए, हाँ और एक लाल गुलाब, ढेर सारा चॉकलेट और मोबाइल पे फर्स्ट क्लास इमरान हाशमी का गाना, रोमांटिक गाना। अरे हट, बकवास।
नहीं नहीं नहीं, इमरान हाशमी बिल्कुल नहीं चलेगा। इमरान हाशमी के गाने रोमांस कम और सुहागरात की फीलिंग ज्यादा बढ़ाते। बिल्लो, अरे सॉरी पुष्पा जी। ए चीते, तू ना रणबीर ट्राई कर, आजकल बहुत हिट है। अब छोड़ो यार रणबीर वनबीर, रणबीर की तो खुद रणवीर लेके चला गया। एक काम करो चीते जी, शाहरुख खान को ट्राई करो। क्या है कि लोग कहते हैं रोमांस के देवता हैं, तो उनकी तरह मतलब ऐसे हाथ फैलाओ, देखो इन्हें फैलाई ऐसे करो। ये इसको नहीं जमेगा, नहीं होगा। अरे ये शाहरुख खान की तरह हाथ फैलाएगा और कोई भीख देकर चला जाएगा। देख रही है ना पुष्पा जी, एक ही तरीका है, एक ही तरीका है पुष्पा जी। ऐसे पिस्तौल संतोष जी के सर पे लगाओ और मंदिर लेके जाओ और वहाँ पे शादी। तुम किसी की बात मत सुनना, अपनी संतु जो है ना वो कराटे जानती है, कराटे। हाँ, एकदम ब्रूसली की बहन है वो। मंदिर छोड़ो, हॉस्पिटल पहुँचाएगी वो। वही तो देखना चाहते है। पुष्पा जी, हम क्या कह रहे हैं कि आपने इसे वाया वाया पता करने का कोशिश कीजिए ना, कि मतलब संतु जी के मन में हमारे लिए क्या फीलिंग है, मतलब उनके मन में भी क्या वही फीलिंग है जो हमारे मन में संतु जी के लिए फीलिंग है। अगर ऐसा रहा तो हम फ्रंट पे जाके उनको आई लव यू बोल देंगे। आज हमने यहाँ पे आपको बहुत जरूरी बात करने के लिए बुलाया। हमारी नजर में कुछ ऐसे केसेस हैं जिन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। करिश्मा सिंह, आपने ऐसे केसेस की लिस्ट बना ली? जी मैडम सर, लिस्ट बनाया हमने। कुछ केसेस ऐसे हैं जो रजिस्टर नहीं होते पर उतने ही गंभीर और संगीन होते हैं जितने की रजिस्टर होने वाले केसेस, जैसे कि घरेलू हिंसा, नाबालिग विवाह, बाल मजदूरी। संतु, तुमको इस केस पर रिपोर्ट बनाने को कहा था ना हमने, तुमने बनाया? जी मैडम। दिखाओ। मैडम सर, ये कुछ नाबालिग लड़कियां हैं जिनकी शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। अभी जिसकी आप लैपटॉप में फोटो देख रहे हैं, ये लड़की के 4 बच्चे हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं, ये नहीं, ये सॉरी। कम उम्र में मां बनने के कारण इन लड़कियों के शरीर में बहुत सारी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी, जिसकी वजह से कई लड़कियों की जान भी चली गई। एक सर्वे के मुताबिक हर साल देश के अलग अलग हिस्सों में लगभग 15,00,000 लड़कियां इस कुरीति का शिकार हो रही है। ना कोई इन्हें रोकने वाला है और ना ही कोई इन्हें बचाने वाला। कार ऐसे माँ बाप पर, ऐसे माँ बाप होते हैं क्या जो छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों की शादी कर देते हैं? हक नहीं है ऐसे माँ बाप को माँ बाप कहलाने का। हमको मिलेंगे ना तो ऐसा मार लगाएंगे कि अपनी छोटी छोटी नाबालिग बच्चों की शादी करने से पहले 100 बार सोचेंगे। शांत हो जाइए करिश्मा सिंह। शांत हो जाए मैडम सर, इन सब मामलों का सुनकर हम कैसे शांत हो सकते हैं, आप हमें ये बताइए। देखिए, आपको जितना बुरा लग रहा है हमें भी उतना ही बुरा लग रहा है, लेकिन गुस्से से इस मसले का कोई हल नहीं निकलेगा। तो फिर क्या हल है आपके हिसाब से? समस्या सिर्फ माँ बाप की नहीं है, समस्या है उनकी सोच की। जिम्मेदार है उनमें शिक्षा का अभाव, वो अनपढ़ सोच जिसके हिसाब से लड़की एक बोझ है, उसकी पढ़ाई समस्या और समस्या का समाधान शादी। उन्हें समझाना बहुत जरूरी है कि एजुकेशन समस्या नहीं है, एजुकेशन इन सारी समस्याओं का हल है। वाह, बहुत बढ़िया मैडम सर। सरकार भी आजादी के बाद यही बात कह रहे हैं, अखबारों में, गली नुक्कड़ में, हर जगह एक ही बात छाप रहा है कि बेटी पढ़ाओ और देश बचाओ, लेकिन आज तक किसी ने माना क्या? लगता आपने वो कहावत नहीं सुना है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हम जानते करिश्मा सिंह की आसान नहीं है, इतने सालों पुरानी इस दकियानूसी सोच को बदलने में वक्त लगेगा, लेकिन कभी ना कभी किसी ना किसी को शुरुआत तो करनी होगी ना। हाँ तो करते हैं ना शुरुआत मैडम सर, खोजेंगे उन सभी लोगों को जो नाबालिग बच्चियों का शादी कराते हैं, पैसों के लिए ये घटिया धंधा करते हैं। उन सभी को मैसेज भेजेंगे कि अगर दोबारा ऐसा गंदा हरकत किया उन्होंने तो पुलिस उनका पीछा जन्म तक नहीं छोड़ेगी। डर मैडम सर, डर बहुत कमाल का चीज है ये डर। इस डर के आगे ना जिन और पीर भी नाचते हैं। करिश्मा सिंह, हमारे हिसाब से आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो सही समाधान नहीं है। आपकी बातें सुन के ना मैडम सर, हमारा यहाँ से जाने का मन और भी पक्का हो गया है, क्योंकि यहाँ कुछ सुधरने वाला नहीं है। सुधरेगा, बहुत कुछ सुधरेगा।
और उसकी शुरुआत करेंगी आप। आज से लेके जब तक ये केस खत्म नहीं होता, आप हर वक्त हर पल हमारे साथ रहेंगी और हमें ऑब्जर्व करेंगी। फिलहाल जाइए और गाड़ी निकालिए, आप हमारे साथ बीट पर चल रहे हैं। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम मैडम सर। क्या करूं? अंदर जाना चाहिए या नहीं, पुलिस की मदद लेनी चाहिए या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? चल चल, हमें तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है? अबे चलो तो, चलो। आजा बैठ। बोलो पुष्पा जी, क्या जरूरी बात करनी है? एक बात बताओ हमको, एक इंसान कब तक अकेला रह सकता है? जब तक बाथरूम में है। जीवन में जड़ बुद्धि, जीवन में हर इंसान को किसी के साथ की जरूरत होती है। एक ऐसा साथी जो सुख दुख में साथ दे, एक ऐसा साथी जिसके साथ सब कुछ साझा हो। अगर ऐसा कोई मिले तो शादी कर लेने में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है, फौरन कर लेनी चाहिए, इसमें सोचना क्या है? है ना? हाँ। कोई है आपके नजर में? है ना? कौन? बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत सुशील भी है, और पता है बहुत अच्छे परिवार से भी है। कौन? पगली, तू तो अच्छे से जानती भी है उसे। मैं जानती हूँ पुष्पा जी, कौन? अपना चीता। चीता? थोड़ा छोटा नहीं है? कहाँ? हाँ, इतना लंबा तो है। अरे पुष्पा जी, मेरा मतलब ये नहीं था। अरे वो छोड़ो, जोड़ी अच्छी लगनी चाहिए। तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना? मुझे क्या एतराज होगा? आप अपने वो लल्ला और भोकाल बहू से पूछिए। उनसे क्यों पूछो, उनका क्या लेना देना इस सब से? लेना देना तो नहीं, आपकी जिंदगी का सवाल है, आप ही डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत। अरे पगली, ये हमारी जिंदगी का सवाल कैसे हुआ? ये तो तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। पुष्पा जी, मेरी जिंदगी का सवाल कैसे हुआ? शादी आपको करनी है ना, आपकी जिंदगी का सवाल हुआ है ना। पगला गई हो तुम, हम कैसे शादी कर सकते? और ये ऐसे सोचा भी कैसे तुमने, और वो भी चीते के साथ? हमारी नहीं, तुम्हारी शादी की बात कर रहे थे। मेरी शादी की बात? तो और नहीं तो क्या? तो बताना तो चाहिए ना, सीधा बुला के शुरू हो गई, कंफ्यूजन तो होगा। अच्छा अच्छा ठीक है, तो अब बात छेड़ ही दी है हमने, तो अब बताओ ना तुम्हारा जवाब क्या है, हाँ या ना? पता नहीं। ए, बस है, हो गई तसल्ली तुमको? अरे दोस्त मानती हमको वो बिल्ले, दोस्त मानती है। फिर क्या बताएं यार इकबाल तुमको, इस पापी बिल्ले के चक्कर में पड़ के अगर हमने संतु जी को आई लव यू बोल दिया होता ना, तो लड़की तो हाथ से जाती ही जाती, दोस्ती भी खत्म हो जाती। तुम बैठो बैठो। अरे बैठो, तुम बैठो बैठो बैठो। अरे उसको खुद को पता नहीं है कि वो तुमसे प्यार करती है। कैसा है प्यार और फुंसी, पहले दुनिया को दिखाई देता है, बाद में खुद को पता चल जाता है। और इसमें टोटल तुम्हारी गलती है। मेरी गलती? हाँ तुम्हारी गलती है। जब देखो संतोष जी के आगे पीछे भौरे की तरह मंडराते रहते हो। अरे जो चीज हर टाइम अवेलेबल हो और वो भी ओल्ड हाउस में, कौन कदर करेगा उसकी?
तो क्या करें हम बिल्लू, मतलब संतु जी को इंप्रेस। बिल्लू कैसा है, संतु जी के नजर में तुम्हारी वैल्यू कुछ नहीं है। उनको लगता है कि तुम उनको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। उनको लगना चाहिए कि तुम उनको छोड़ के जा सकते हो, फिर उनको एहसास होगा कि ये दोस्ती नहीं प्यार है। प्यार यकीन नहीं आता। डेमो दे दू। संतोष जी इधर ही आ रहे हैं। मैं जैसे कहता हूँ हाँ में हाँ मिला ना, बस किसमें क्या मिला है? अबे हाँ में हाँ मिला। संतोष जी आइए बैठिए। बन्ना में एक चाय बोल। जीते हमने सुना है आज तुम अपने गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे गए थे। कैसी रही डेट? अच्छी रही, अच्छी थी बहुत। चीते तेरी गर्लफ्रेंड भी है, तूने कभी नहीं बताया मुझे। संतो जी ये दोनों शादी करने वाले हैं। ये शादी और तो और इन दोनों का हनीमून का प्लान भी बन चुका है। ज्यादा नहीं हो रहा है तुम्हारा? चीते तू नहीं जानता, तूने तो एक सेकंड में मेरी पूरी टेंशन दूर कर दी। कैसे? चीते पुष्पा जी है ना, पता नहीं बैठे बैठे इनके दिमाग में क्या चलता रहता है। वो तेरी और मेरी शादी की बात मुझसे कर रही थी। मैं तो घबरा गई कि तू मेरे बारे में ऐसा सब सोचता है। बट थैंक गॉड तू किसी और से प्यार करता है, उसी से शादी कर रहा है। हम बेस्ट बडीज रहेंगे। वैसे है कौन जिससे तू शादी कर रहा है? अरे हम मिलवाते है ना, ये देखो ये है इनकी होने वाली धर्म पत्नी। संतु जी जलस जलस विकास औतन का फोटो लेके निकल गई। चुपना चुपना बिल्ले। संतु जी आप अचानक से इसे बाहर से भाग के आ गए, क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? ये तो नाबालिग है, चीता नाबालिग लड़की से शादी कर रहा है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.